जोशीमठ में 11 और परिवार को किया गया शिफ्ट। क्या जोशीमठ हो जाएगा खत्म? क्यों आ रही है दरारें? क्यों बह रहा है पानी? उत्तराखंड के जोशीमठ में 11 और परिवारों को शनिवार को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। शहर में दरार से प्रभावित घरों की संख्या बढ़कर 603 हो गई है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्या होगा जोशीमठ का, क्या होगा उन परिवारों का जो अपना आशियाना टूटते देख रहे हैं। जोशीमठ का यही दर्द देखने सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। अलग अलग हिस्सों का उन्होंने जायजा लिया, स्थानीय लोगों से बातचीत की, जहां लोगों ने अपना दर्द मुख्यमंत्री के सामने साझा किया। उधर जो लोग अपने घर में रह रहे हैं उनको पूरी पूरी रात नींद नहीं आ रही। जिनके घरों में दरारें आ चुकी हैं या जमीन का हिस्सा धंस गया है, वे लोग अपना आशियाना छोड़कर पलायन कर चुके हैं। लोगों की चिंता इसलिए बढ़ रही है कि जोशीमठ के इन इलाकों में जमीन पर पड़ रही दरारें रोज चौड़ी होती जा रही हैं। 25 से ज्यादा घरों की दीवारों में काफी चौड़ी दरारें आने के बाद से लोगों ने अपने घर खाली कर दिए हैं। सबसे ज्यादा कहर मारवाड़ी इलाके में देखा जा रहा है। यहाँ कई जगह जमीन के अंदर से मटमैले पानी का लगातार रिसाव हो रहा है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कॉलोनी की दीवारों को फाड़कर पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, खेतों में पानी के बुलबुले निकल रहे हैं। 2 दिन पहले ही मारवाड़ी इलाके के पास जेपी कॉलोनी में अचानक पानी का बहाव तेज होने से लोग सहम गए। जोशीमठ के रविग्राम, गांधीनगर, मनोहर बाग, सिंगाधर वार्ड में भूस्खलन की सबसे ज्यादा घटनाएं देखी गई। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, ऐसे में सेना को अलर्ट मोड पर रखा गया है। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार सिंह ने बताया कि प्रशासन लगातार सेना के अधिकारियों के साथ संपर्क में है। ये बताना आपको जरूरी है कि जोशीमठ पर पैदा हुआ संकट मामूली नहीं है। भूगर्भीय रूप से ये इलाका काफी संवेदनशील है और सिस्मिक जोन 5 के अंदर आता है। इस शहर में हो रहे धसाव की आशंका पहले ही पैदा हो गई थी और सरकार की विशेषज्ञों की टीम ने एक रिपोर्ट भी तैयार की थी। ताज़ा अपडेट के लिए वीरी टीवी भारत से जुड़े रहें।